हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल को। दोस्तों, यहाँ पे कोल इंडिया के तरफ से, कोल इंडिया का जो कॉलेज है, जो लर्निंग सेंटर है, यहाँ पे दोस्तों देख सकते हो, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IIT, इंडियन स्कूल ऑफ माइनिंग, यहाँ पे वैकेंसी निकल के आ रहा है दोस्तों। जो धनबाद में है, झारखंड में है, वहाँ से वैकेंसी निकल के आ रहा है। वीडियो को एंड तक देखिए, कैसे आपको अप्लाई करना है पूरा जानकारी दूंगा। वीडियो अच्छा लगेगा जरूर एक लाइक करिए, सारे फ्रेंड के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, ताकि उन लोगों को भी थोड़ा पता चल जाए इसके वैकेंसी के बारे में। दोस्तों, काफ़ी अच्छा वैकेंसी है। जिसके पास ITI है, डिप्लोमा है, या कोई भी डिग्री है, BSc है, MSc है, तो उन लोगों ने अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। MBA वालों भी अप्लाई कर सकते हैं, MTech वाला, BTech वाला, सब लोगों ने अप्लाई कर सकते हैं। बहुत सारा वैकेंसी भी रखा गया है दोस्तों। इसका एडवर्टाइजमेंट का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा हूँ, उधर से आप क्लिक करके अप्लाई भी कर सकते हो, ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट भी डाउनलोड भी कर सकते हो। और दोस्तों, कोई भी जॉब अपडेट लेने के लिए आप हमारे वेबसाइट helpingtapan.com में जाके, उधर से बहुत सारा जॉब का अपडेट दिया गया है, आपकी क्वालिफिकेशन वाइज जॉब सर्च करके देख भी सकते हो और अप्लाई भी कर सकते हो। तो दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हो, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इंडियन स्कूल ऑफ माइनिंग के तरफ से, देहरादून के तरफ से वैकेंसी निकल के आ रहा है। जो पोस्ट है दोस्तों, काफ़ी अच्छा पोस्ट रखा गया है। यहाँ पे दोस्तों देख सकते हो, ये सारे पोस्ट है दोस्तों। यहाँ पे दोस्तों देख सकते हो, आप लोग को दिखा रहा हूँ, जो आपकी जूनियर टेक्नीशियन सबसे ज़्यादा वैकेंसी है, जिसमें आपकी ज्वाइनिंग होगा Level 3 में, डेप्यूटी रजिस्टर और असिस्टेंट रजिस्टर, उसके साथ यहाँ पे जूनियर असिस्टेंट, और यहाँ पे दोस्तों टेक्नीशियन, जूनियर टेक्नीशियन जो है, इसमें बहुत सारा ब्रांच में वैकेंसी है दोस्तों। इसके लिए क्वालिफिकेशन डिटेल्स आपको को बता देता हूँ। जूनियर टेक्नीशियन जो है, वो 106 वैकेंसी है, और कुल मिला के आपकी 191 वैकेंसी रखा गया है। यहाँ पे दोस्तों, पहले जो डेप्यूटी रजिस्टर है, उसमें आपके Level 12 में आपकी ज्वाइनिंग होने वाला है, और उसके बाद असिस्टेंट जो रजिस्टर है, उसमें Level 10 में आपकी ज्वाइनिंग होगा, उसके बाद जूनियर असिस्टेंट जो है, वो Level 3 में आपकी ज्वाइनिंग होगा, और सारे जो जूनियर टेक्नीशियन है, वो भी आपकी Level 3 में ज्वाइनिंग होने वाला है। तो दोस्तों, चलते हैं, इसका क्वालिफिकेशन के बारे में आप लोग को बता देता हूँ। जो डेप्यूटी रजिस्टर है, उसमें मिनिमम जो क्वालिफिकेशन है, मास्टर डिग्री होना चाहिए, 55% आपके मार्क एग्रीगेट होना चाहिए। उसके साथ दोस्तों, यहाँ पे कुछ एक्सपीरियंस मांगा गया है, कुछ नहीं दोस्तों, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस मांगा गया है, 9 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा गया है। रिलेवेंट यहाँ पे दोस्तों वर्क एक्सपीरियंस मांगा गया है, सब जगह में एक्सपीरियंस नहीं है दोस्तों, कोई कोई जगह में एक्सपीरियंस मांगा गया है। तो दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हो, जूनियर असिस्टेंट जो Level 3 में ज्वाइनिंग होगा, यहाँ पे एज लिमिट जो है 30 ईयर तक। इसके लिए क्वालिफिकेशन जो बैचलर डिग्री है, तो अप्लाई कर सकते हो, इसमें कोई भी आपके एक्सपीरियंस मांगा नहीं गया है। उसके बाद दोस्तों, जो जूनियर टेक्नीशियन है, यहाँ पे आपकी एज लिमिट 30 ईयर रखा गया है। इसके लिए जो क्वालिफिकेशन है, डिप्लोमा रिलेवेंट ट्रेड में है तो अप्लाई कर सकते हो, नहीं तो BSc है तो अप्लाई कर सकते हो, नहीं तो आपके पास ITI है, इस ITI वालों भी अप्लाई कर सकते हो दोस्तों। आपको देखना पड़ेगा आपकी ब्रांच वाइज यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, जिसमें सिविल, केमिकल, केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, माइनिंग, मैकेनिकल, सबके लिए यहाँ पे वैकेंसी है दोस्तों टेक्नीशियन का। जिसके पास ITI फिटर है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, ये सारे अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। इसका जो सिलेबस रहेगा, आपके रिटन टेस्ट लिया जाएगा, रिटन टेस्ट में आपकी 80 मार्क जो रहेगा आपकी रिटन टेस्ट, उसके बाद कंप्यूटर परफॉर्मेंस टेस्ट आपकी 20 मार्क रहेगा। यहाँ पे सबके लिए सिलेबस सेम नहीं है, यहाँ पे पहले जो हायर लेवल का पोस्ट है, इसके लिए ये सिलेबस है। उसके बाद दोस्तों, जो टेक्नीशियन है, टेक्नीशियन का पोस्ट रिटन टेस्ट 80 मार्क रहने वाला है। उसके बाद टेक्नीशियन में भी कई कई पोस्ट में आपकी कंप्यूटर परफॉर्मेंस टेस्ट रखा गया है, इसमें भी आपको कंप्यूटर परफॉर्मेंस टेस्ट देना पड़ेगा। इसके बाद दोस्तों, आपकी दोस्तों यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ी के बात करेंगे, तो डेप्यूटी रजिस्टर जो है, वहाँ पे 1000 रुपीज़ रखा गया है। उसके बाद आपकी जूनियर असिस्टेंट और जूनियर टेक्नीशियन जो है, 500 रुपया एप्लीकेशन फ़ी रखा गया है, अगर आप अप्लाई करना चाहते हो इसको भरना पड़ेगा। और दोस्तों, यहाँ पे एक्स सर्विसमैन SC ST वालों के लिए कुछ भी आपकी एप्लीकेशन फ़ी नहीं है। तो इसका दोस्तों लास्ट डेट जो है,
काफी टाइम रखा गया है, 4 नवंबर तक इसको अप्लाई कर सकते हो दोस्तों। 4 नवंबर काफी टाइम बचा है, तो लास्ट डेट रखा गया है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे लास्ट डेट ऑफ सबमिशन साइंड कॉपी आपके जो प्रिंट आउट है उसको सेंड करना पड़ेगा 11 नवंबर तक। तो उसी डेट के अंदर आपको एड्रेस दिया गया है, उसी एड्रेस में आपको सेंड करना पड़ेगा। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा हूँ, उधर से PDF डाउनलोड करिए। अप्लाई भी ऑनलाइन का लिंक भी है, अप्लाई भी कर सकते हो। तो दोस्तों यही था छोटा सा इन्फॉर्मेशन। वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक करिए। मिलते हैं, बाय बाय, जय हिंद।